हमने तो पहले ही कहा था कि छिंदवाड़ा में हमको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। छिंदवाड़ा अब हमारे लिए, खास करके कमलनाथ कहते थे कांग्रेस का गढ़ है, हमने कहा गढ़ नहीं गड़बड़ी है, और वो गड़बड़ी सबके सामने आई है। थी जो है सो है, लोगों का फैसला है। मुझे इस बात का संतोष है और आनंद है कि पूर्ण बहुमत के साथ फिर सरकार माननीय मोदी जी की बन रही है, और देश भर के जो रुझान आ रहे हैं, और खास करके हम सब समझ सकते हैं कि जब तीसरी बार अर्थात 15वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, 10 साल के कोई सरकार चले उसके बाद भी जनता उस पर विश्वास रखे, और वह भी इतना बड़ा देश, इतनी विविधता वाला देश, इतनी विभिन्न प्रकार की आबादी, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विभिन्न प्रकार के माहौल और विभिन्न प्रकार की चुनौतियां, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना रही है। साथ ही साथ और संतोष की बात है, 29 की 29 मेरे पास अभी जो रुझान आए हैं, 29 ही लोकसभा में मध्यप्रदेश में 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की जनता को बधाई, माननीय मोदी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय अमित जी, सभी को बधाई। हाँ, हमने तो पहले ही कहा था कि छिंदवाड़ा में हमको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। छिंदवाड़ा अब हमारे लिए, खास करके कमलनाथ कहते थे कांग्रेस का गढ़ है, हमने कहा गढ़ नहीं गड़बड़ी है, और वो गड़बड़ी सबके सामने आई है। जनता का प्यार भाजपा के प्रति है, और छिंदवाड़ा पूर्ण बहुमत से जीत रहा है। अब जो है सो है, इसमें हम अध्ययन करेंगे। क्या देश भर की बात करें तो 200 से ज्यादा सीटों पर इंडिया आगे चल रही है अभी। हाँ, अभी 214 पर था जो मैंने लास्ट देखा। अच्छा, बहुत बढ़िया है। अब ये तो न्यूज में आ रहा है, असलियत में क्या ये देखेंगे। लेकिन छिंदवाड़ा से काफी उम्मीद थी, छिंदवाड़ा से कांग्रेस को उम्मीद थी। अब जो है सो है, लोगों का फैसला है। अभी आपको सर क्या उम्मीद है मध्य प्रदेश में और देश में? अभी मध्य प्रदेश का तो चल रहा है, देखते हैं। 20 राउंड हैं, अभी तो 3-4 राउंड ही खत्म हुए हैं। पीसीसी कार्यालय जा रहे हैं, मॉनिटरिंग करेंगे। हाँ, पीसीसी कार्यालय। सर, यूपी में इंडिया गठबंधन का अच्छा परफॉर्मेंस निकल। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा।